नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल हिंदी। मेरा नाम है विनय और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं जो थंबनेल बनाता हूँ जो काफ़ी HD लगता है तो, और जो मेरा जो मैं लिखता हूँ उसके ऊपर लाइंस वो भी काफ़ी 3D और HD मतलब काफ़ी इफेक्टिव होती है थंबनेल्स। तो ऐसी थंबनेल आपको अगर बनाना है तो किस तरह बनाना है वो भी एंड्रॉयड मोबाइल में वो आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप थंबनेल का जो है इम्पोर्टेंस जानते हैं कि थंबनेल अच्छा होना या कितना ज़रूरी होता है। थंबनेल के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा, थंबनेल अगर आप बनाते हैं तो उस पर जो है खुद को शो करिए, जिससे क्या है आपका वीडियो मतलब थंबनेल जो है काफ़ी इफेक्टिव लगेगा, लोग देखेंगे। अगर आप खुद को शो नहीं करेंगे थंबनेल में तो लोग जो है उसे क्लिक करने से पहले सोचेंगे इस वीडियो में क्या है, कोई बोल रहा है या बस खाली कुछ दिखा रहा है। तो खुद को शो करिए थंबनेल में। और थंबनेल जो है HD किस तरह बनाने में आपको आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक बटन दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि HD थंबनेल कैसे बनाना है। उसके लिए हमने दो एप्लीकेशन का यूज़ किया है, एक थंबनेल मेकर है जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, एक टिम्बर नाम से भी है। इसमें जो आपको बैकग्राउंड बढ़िया वाले मिल जाएंगे आपके वीडियो के लिए यूज़ करने के लिए। तो मैं तो अभी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो अभी देखिए आपको इसी में से जो है एक बढ़िया सा HD वाला थंबनेल आपको बना के दिखाऊंगा, फुल ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। आप पूरा लास्ट तक देखिएगा किस तरह यूज़ करना है, इसमें क्या क्या 3D इफेक्ट्स डाल सकते हैं इस थंबनेल मेकर में, और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है फिर से कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए इसके अंदर बढ़िया से बैकग्राउंड है, बस इसे क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड फोटो करके और एक कर लिया हूँ मैं। तो उसी को जो आपको मैं थंबनेल मेकर में अभी बढ़िया से एक थंबनेल बना के दिखाऊंगा इसी वीडियो के लिए। तो देखिए थंबनेल मेकर में गए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा ये लोगो, बस याद रखिए किस तरह का सिंपल सा इसका लोगो है। तो फिर यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, बैकग्राउंड आप यहाँ पे पहले चूज़ कर सकते हैं, बहुत से बैकग्राउंड यहाँ पे रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन हमने डाउनलोड कर रखा है हम वाला लेंगे। तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया, और ये जो इफेक्ट है आप ये अपने फॉन्ट में भी दे सकते हैं, मतलब आपने फॉन्ट लिखा है उसमें अगर आपको इफेक्ट चाहिए वाला ज्वालामुखी या और कोई वाला तो इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम पहले जो हमने इमेज अभी डाउनलोड किया है टिम्बर से वो डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला बढ़िया रहेगा। इसमें एक साइड में अपना फ़ोटो और दूसरे साइड में हम जो है पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया इसके अंदर अपना जो थंबनेल जो है बन सकता है। तो चलिए हम फोटो यूज़ करते हैं। मैं मेरे वाला इमेज जो है, मतलब मैंने पहले कहा कि अपने आप को जो है अपना थंबनेल्स पे जो है दिखाइए, खुद को शो करिए, ताकि जो है व्यूअर्स को पता चले कि भाई कौन बोल रहा है इस वीडियो में क्या है, या कोई ऐसी बस कई मास्टर में वीडियो एडिट करके जो है बता दिया, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा बोलना भी चाहिए, अगर आप वीडियो में खुद बोलेंगे, बात करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट होंगे तो आपका वीडियो जो है ज़्यादा चलेगा, व्यूअर्स जो है आपके वीडियो को ज़्यादा देखेंगे। तो इसके ऊपर तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है, आप मेरे जो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये मैं पहले ही PNG बना रखा था मेरे वाला ताकि बैकग्राउंड कोई भी हो उसमें जो बढ़िया देखेगा, क्योंकि जो पहला वीडियो था वो मैं जो थंबनेल PNG बनाए उसमें जो है पीछे का वाइट बैकग्राउंड था, इसलिए जो उसे करना पड़ा क्योंकि। और देखिए आपको अगर आइडिया नहीं आ रहा है कि भाई किस तरह से जो है हम कुछ वर्ड्स लिखे अपने थंबनेल पर, तो देखिए जो टॉपिक पे आप बना रहे हो उस टॉपिक जो पहले यूट्यूब में सर्च करिए, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ HD थंबनेल ट्यूटोरियल। तो देखिए यहाँ पे पता चलेगा कि हर कोई अपने अपने थंबनेल्स पर क्या लिखता है, तो उसी तरह से जो आपको थोड़ी आइडिया मिल जाएंगे क्या लिखना है, फिर आप उसी को थोड़ा बहुत मिक्स करके या थोड़ा सा कुछ अपना आइडिया लगा के उन टेक्स्ट को जो है आप यहाँ पे लिखिए, ऐड टेक्स्ट दिया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स के आपको जो है ऑप्शन मिलता है, और वही जो है आप इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे जो आप बैकग्राउंड में रख सकते हो वही इफेक्ट जो है आप अपने टेक्स्ट पर भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसे, देखिए यहाँ पर 3D करके दिया, उसे 3D करने से जो है टेक्स्ट को बैक साइड जो काफ़ी बढ़ जाता है, और ये जो है लेयर बनती है साइड में, उसे आप किसी भी कलर में दे सकते हैं। और ऐड टेक्स्ट करेंगे हम लोग हाउ टू YouTube HD थंबनेल, तो हम थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे
ताकि जो यहाँ पे ठीक तरह से लिख सके। नहीं तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो एक ही सेंटेंस में जो पूरा दिखाई देगा, आप उसे फिर नीचे नहीं ले सकते, फिर एडिट करना पड़ेगा फिर से उसी टेक्स्ट को। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ चूज़ करते हैं बढ़िया सा थीम, एक इसके लिए टेक्स्ट के लिए थीम यूज़ कर सकते बढ़िया वाला, तो कोई HD सा दिखे ऐसा थंबनेल जो हम जो चूज़ करेंगे, ताकि वो चमकीला लगे YouTube देखने में थोड़ा बढ़िया लगे। अब जो इसे भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन ये YouTube जो है ठीक से दिखने का, हम कोई और चूज़ करते हैं। इसे काफ़ी बढ़िया है, इसके अंदर मतलब पूरा ट्यूटोरियल देखिए आप, आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से करना है। फिर आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दो ऐप्स की मदद से जो है बढ़िया सा एडिट थंबनेल आप बना पाएंगे। तो चलिए ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, और देखते हैं हाँ इसे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा डायमंड टाइप। तो चलिए इसे रखते हैं, 3D और कर लेते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए पीछे का साइज जो बढ़ रहा है, इसे फुल कर देते हैं। थंबनेल दिखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा, शायद आपको अभी वीडियो में इतना बढ़िया ना लग रहा हो। देखिए आप जो है साइट का जो कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं, साइट का, या फिर अंदर भी जो कलर बाहर दिया है उसे आप अंदर भी दे सकते हैं। अरे ब्लर वर बढ़ाने के लिए टेक्स्ट के आगे पीछे ब्लर बढ़ा सकते हैं, और डालते हैं टेक्स्ट थंबनेल, मतलब काफ़ी बढ़िया ऐप है। आप देखिए पूरा ट्यूटोरियल में किस तरह से कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह करना। लेकिन मेरा वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगे और आप इससे कुछ सीखे, तो मेरे वीडियो को जो लाइक और शेयर करना भूलना मत। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप नए नए वीडियो देखना चाहते हैं बेसिक से YouTube के बारे में और किसी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी नए हैं YouTube पे है, और सब कुछ हमारे पास बहुत सा डेटा है, हम डेली का एक वीडियो अपलोड करेंगे, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए अभी जो है थंबनेल में लुक आने लगा है, बढ़िया दिखने लगा है अभी से ही, अभी तो ये पूरा हुआ भी नहीं है। नीचे के साइड में जो जगह छोड़ी मैं थंबनेल, मतलब मेरा PNG ऊपर लगाने का कारण है कि नीचे के साइड में भी हम जो है टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसीलिए मैं उसे ऊपर लगाया हूँ PNG। तो और हमें आइडिया निकालना है भाई, और क्या लिख सकते हैं हम थंबनेल में। तो हमारा चैनल तो हिंदी है, पर खाली इंग्लिश में लिखने से नहीं होगा, तो हम कुछ हिंदी कीवर्ड्स भी जो है सर्च करेंगे। तो चलो हम कुछ हिंदी वर्ड्स भी हम ढूंढ लेते हैं हमारे वीडियो के लिए, देख लिया हम लोग। तो अभी जो है हम हिंदी में भी यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइपिंग में चेंज कर लीजिए कीबोर्ड, तो इसका भी जो है बढ़िया से टाइप करिए YouTube वीडियोस के लिए, YouTube वीडियोस के लिए HD थंबनेल, YouTube HD के लिए HD थंबनेल कैसे बनाते हैं ये, हाँ ये सही रह सकता है। तो हम इसे टाइप करेंगे YouTube थंबनेल, तो इसे बनाते 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 है। तो ये हमारा जो है हिंदी में भी टाइप हो गया है, अब ये हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए सही रहेगा जो हिंदी जानते हो। वैसा तो इंग्लिश सभी जानते हैं लगभग, इंडिया में तो हिंदी सभी को आता है, लेकिन फिर भी जो है दोनों अगर आप हिंदी और इंग्लिश अपने थंबनेल में देंगे तो वो देखने वालों को भी बढ़िया लगेगा और व्यूअर्स को भी जो है अट्रैक्ट करेगा। तो बस यही है, अब ये थोड़ा इसे दो लाइन कर देते हम लोग, HD से जो है थोड़ा नीचे ला लेते हैं शिफ्ट मारने के बाद, या आगे नीचे। तो अभी से बड़ा करेंगे तो देखिए जो नीचे परफेक्ट से बैठ जाएगा। तो ये जो है देखने में अभी देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लग रहा है कि भाई बढ़िया सा थंबनेल दिख रहा है, जो टेक्स्ट भी है बढ़िया है। तो अभी से जो है अलग अलग कलर से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पहले दिया है इसमें सब सेटिंग, जिसे हम कर लेते 3D थोड़ा सा इफेक्ट, और इसकी जो दूरी है सेंटेंस के बीच में कि इसे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें बहुत सी सेटिंग है। आप इन ऐप्स को जो यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में जो ऐप है काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है ये वाला, तो आप यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो वीडियो अभी मेरा पूरा देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया से इसको जो है एडिट कर रहा हूँ मैं,
देखिए अभी हो गया, लेकिन ऐसा भी रखेंगे तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ा इसे थोड़ा और चेंजेस, मतलब थोड़ा और स्टाइल में इसको करना चाहता हूँ, तो इसको मैं और किसी स्टाइल में करता हूँ। ये तो वाइट वाला, मतलब बहुत से वाइट स्क्रीन होती है यूट्यूब में, तो इसलिए इसे वाइट नहीं रखूँगा मैं, कुछ अलग अलग स्टाइल में इसको रखूँगा। अच्छा थंबनेल पे बढ़िया दिख रहा है वाइट भी, लेकिन फिर भी जो है इसमें वाइट नहीं रखूँगा, चेंज करूँगा इसको। इसमें पहले से प्री लोडेड जो दिया है उसका यूज़ करेंगे। देखिए इससे जो है आप दूरी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन और एक ऑप्शन आता है इसके अंदर जिससे आप इनकी दूरी जो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है चेंज कर लेता हूँ, तो इसको क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, और जो यहाँ पे जो आप चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़, ब्लू करके देखते हैं हम लोग। देखिए ये ब्लू वाला जो है बढ़िया लग रहा है, थोड़ा निखर के आ रहा है उसे, मतलब वीडियो जो मतलब थंबनेल जो है बढ़िया सा लग रहा है और HD भी दिखाई दे रहा है और देखने वालों को भी बढ़िया लगेगा। साइड पर जो थोड़ी जगह बची है उसका भी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए हिंदी करके वहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि जो है वीडियो मतलब देखने वाले के लिए और बढ़िया लगेगा। देखिए हिंदी चूज़ कर लेते हैं हम लोग व्यूअर्स के लिए, और इसे भी कोई और कलर दे देते हैं साइड में, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसे 3D कर देते हैं। तो जो है देखिए अभी जो निखर के आ गया ब्लैक बैकग्राउंड थोड़ा देने से, अभी देखिए थंबनेल पूरा हो गया बढ़िया से। तो ऐसे थंबनेल किसी से बनाइए आप, आपको जो बढ़िया व्यूअर्स मिलते रहेंगे। और जो इसका साइज़ होता है थंबनेल बनाने का, वो परफेक्ट यूट्यूब के लिए ही है, मतलब आपको कहीं भी कट कुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है आप JPG डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेव कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ कि आपको मैंने अभी तक मतलब इससे कितना सारा थंबनेल जो है बनाया है और किस तरह के से बनाया है, कितना बढ़िया दिखता है दूसरे और थंबनेल दिखाता हूँ मैं। शायद आपको ये इतना अच्छा ना लगा हो, लेकिन आप आपकी क्रिएटिविटी आप दिखा कि इसमें जितना चाहिए उतना बढ़िया से आप जो है इसमें थंबनेल्स बना सकते हैं। तो ये दोस्तों, अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जो मेरे और थंबनेल्स बनाए वो भी देख लीजिए तब तक, क्योंकि ये वाले थंबनेल जो इसमें बनाया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Ain't anybody out there? Yeah.